नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रूपेश और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर एक बहुत बड़ी अपडेट के साथ। जैसे कि आप सभी ने थंबनेल में देख ही चुका है, देखिए आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे कि वन विकास निगम ने जारी कर दी है पूरी लिस्ट, किन लोगों का चयन हुआ है, किन के जारी हुआ लिस्ट हम देखने वाले हैं पूरी लिस्ट, और किन किन लोगों का नाम लिस्ट में जारी हुआ है और आगे क्या करना है पूरी जानकारी, साथ ही पटवारी भर्ती से संबंधित जानकारी देखने वाले हैं, जो कि व्यापम ने कल के ही डेट पर मॉडल आंसर जारी कर दिया गया है और वह दावा पत्ति का अंतिम डेट क्या होगी यह भी देखने वाले हैं। साथ ही SI भर्ती से संबंधित जानकारी भी देखेंगे। जो लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन की घंटी को ऑल पर सेट कर रख लीजिएगा, जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाएगा। लास्ट तक जरूर देखिएगा यह वीडियो, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि वन विकास निगम से जारी कर दिए पुलिस टा, और आगे आपको देखना देखेंगे कि क्या करना है, किन लोगों का चयन हुआ है, किन किन लोगों का कैंडिडेट का यहाँ पर चयन हुआ है पुलिस टा देखेंगे, साथ ही पटवारी भर्ती से संबंधित पूरी जानकारी देखेंगे। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि SI भर्ती से संबंधित जानकारी देखेंगे। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं SI भर्ती संबंधित जानकारी। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत सूबेदार उप निरीक्षण वर्ग प्लाटून कमांडर की SI भर्ती, यानी कि सबसे पहले आपका दस्तावेज एवं शारीरिक मापदंड होगा। शारीरिक मापदंड होगा। SI भर्ती संबंधित जानकारी पहले देंगे, जो कि SI भर्ती का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है, साथ ही परसों ही इसका जारी हुआ है एडमिट कार्ड। बहुत से लोगों का कहना है कि देखिए कैंडिडेट का कहना है कि एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है। जिनका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है वो डाउनलोड अब प्रारंभ हो चुका है। जिन लोगों का अभी तक रिकॉर्ड नहीं बता रहा था, थोड़ा देर वेट कर लीजिएगा। यहाँ पर आज शाम 5 बजे तक या आज शाम तक, मैं यह कहूँगा, देखिए यहाँ पर आज शाम तक आपको देखने को मिल जाएगा, धीरे धीरे डाउनलोड हो जाएगा। तो आप घबराइए नहीं, है ना, आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। देखिए यहाँ पर अब डेट रहेगा, साथ ही फोटो देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर एक बताना चाहूँगा कि सबसे पहले यहाँ पर कैंडिडेट का जो भी है यहाँ पर पूरा डिटेल रहेगा, और यहाँ पर एक फ़ोटो चिपका रहेगा, ठीक है, कैंडिडेट का यहाँ पर फ़ोटो चिपका रहेगा SI भर्ती से ये यहाँ पर। उसके बाद आपको निर्देश देखने को मिलेगा यहाँ पर, है ना, इसके बाद निर्देश देखने को मिलेगा प्रवेश पत्र के अभाव के साथ, दस्तावेज बैगिन के साथ। देखिए यहाँ पर यहाँ पूरी जानकारी आपको बताना चाहूँगा। इसके बाद सबसे पहले दस्तावेज होगा और फोटो तो यहाँ पर दिया रहेगा, है ना, फोटो यहाँ पर दिया रहेगा, हाँ यहाँ पर फोटो भी रहेगा आपका, और आपका पूरी जानकारी यहाँ पर रहेगी डिटेल से। यहाँ पर देखिए कैंडिडेट क्या होगा, डेट ऑफ बर्थ रहेगा, जेंडर रहेगा, है ना, कैंडिडेट का नाम रहेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा, पूरी यहाँ पर पूरा डिटेल दिया रहेगा, है ना। यहाँ पर आपका फोटो होगा यहाँ पर आपका फोटो सिलेक्शन होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर बात करेंगे दिशा निर्देश की। तो दिशा निर्देश यहाँ पर आप बिल्कुल घबराइए नहीं, दिशा निर्देश आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से, है ना। और सबसे पहले सेंटर का एड्रेस भी दिया रहेगा यहाँ पर, सबसे पहले पुलिस लाइन ग्राउंड का अंबिकापुर दिया है देखिए यहाँ पर, है ना। तो डेट भी दिया रहेगा यहाँ पर, डेट का तारीख भी दिया रहेगा, कब होगा क्या होगा, आप पूरे निर्देश ये सब पढ़ लीजिएगा, है ना। तो सबसे पहले दस्तावेज एवं शारीरिक मापदंड होगा। सबसे पहले क्या होगा, दस्तावेज एवं शारीरिक मापदंड होगा। इसके बाद बात करेंगे पटवारी भर्ती की। तो पटवारी भर्ती की बात करने वाले हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले पटवारी भर्ती की बात करेंगे तो यहाँ पर दावपत्ति से संबंधित, है ना, दावपत्ति से संबंधित बात करने वाले हैं। सबसे पहले पटवारी प्रशिक्षण चयन भर्ती परीक्षा, देखिए यहाँ पर 2022 के दावपत्र संबंधित निर्देश दिए गए हैं। तो व्यापम के वेबसाइट पर आप जाके सर्च करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले आपको दिखेगा दावपत्ति से संबंधित, तो आप वहाँ पर क्लिक करेंगे। जिनका क्लिक नहीं हो पा रहा है तो लिंक पर, देखिए यहाँ पर लिंक भी दिया रहेगा, अलग से लिंक दिया रहेगा, आप उसको क्लिक करेंगे। जैसे ही आप उसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक वो दिखाई देगा, वेबसाइट खुलकर आएगा। तो यहाँ पर आपका देखिए वेबसाइट खुलकर आएगा तो यहाँ पर इंटर व्यापम फॉर रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ रहेगा, दावपत्ति आप कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए दावपत्ति का एप्लीकेशन है,
इंटर आप देखिए यहाँ पर डेट ऑफ डेट बर्थ आप डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा यहाँ पर, डेट ऑफ बर्थ दिया रहेगा। इसके बाद हम बात करूँगा, इसके बाद यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ रहेगा है ना, इंटर अब देखिए मेट्रिसन टेक्स यहाँ पर जो भी रहेगा यहाँ पर टाइप करना पड़ेगा, यहाँ पर कोड दिया रहेगा तो कोड को सिलेक्शन करने को, उसके बाद लास्ट में यहाँ पर सबमिट करना पड़ेगा। जैसे ही आप सबमिट करोगे तो ये पेज खुलकर आ जाएगा, या फिर अब आपको देखिए यहाँ पर अगर सबमिट करोगे यहाँ पर तो आपको पूरा डिटेल हो जाएगा जानकारी है ना। इसके बाद अगर इसकी कोई जानकारी नहीं होगी तो नीचे दिए गए यहाँ पर क्लिक करना होगा, नीचे यहाँ पर थोड़ा सा क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये पेज खुलकर आ जाएगा, जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो ये पेज खुलकर आ जाएगा। डाउनलोड फाइल अगेन आपका पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा, डॉट फाइल अगर सेव इसको क्लिक कर देना राइट करके डाउनलोड हो जाएगा। इसके बाद आगे देखेंगे इसका प्रोसेस क्या होगा, दावा पत्ती आप कैसे करेंगे है ना, दावा पत्ती आप कैसे करेंगे, पटवारी भर्ती परीक्षा संबंधित आपको प्रश्न किस प्रकार करना है ये आप देख लीजिएगा, ध्यान से देखिएगा है ना, आप इसको ध्यान से देखिएगा। दावती फॉर्म भरने के सामान्य निर्देश, सबसे पहले आप नीचे दिए गए लिंक पर स्वयं आवेदन करेंगे, ये वेबसाइट पर आप जाकर व्यापम के वेबसाइट पर जाकर है ना आप दावापत्ति कर सकते हैं। दावापत्ति की जो प्रक्रिया है, जो निर्देशों का पालन कैसे करना है, यह सब आप डिस्क्रिप्शन के नीचे दिया गया है लिंक में आप जाकर देख सकते हैं। आवेदन फॉर्म भरते समय आपको जानकारी भरना अनिवार्य होगा, जिनके सामने आप मार्क दिया गया है। इसके बाद देखिए पूरी जानकारी मैं बताऊंगा यहाँ पर कैसे फॉर्म भरना है, क्या फिलअप करना है, तो देखते रहिएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर इंटर आप देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर दिया रहेगा, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ रहेगा, इसके बाद इंटर आप जो भी टेस्ट करोगे वो रहेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे ये वाला, तो दिए गए बॉक्स के कैप्चर कोड को अंकित करना पड़ेगा, दिए गए यहाँ पर जो बॉक्स रहेगा वहाँ पर कैप्चर कोड को अंकित करना पड़ेगा ये वाला। उसके बाद सबमिट करोगे ये वाला में, उसके बाद पेज को पुनः रीसेट करोगे ये वाला में रिसेट करोगे, जन्म अंकित करोगे यहाँ पर देखिए जन्म दिनांक आप मतलब बर्थडे आप यहाँ करोगे। इसके बाद यहाँ पर बात करेंगे सामान्य निर्देश आप प्राप्त कर सकते हैं, या यहाँ पर यूजर मैनुअल दिया होगा तो यहाँ पर क्लिक करोगे और कैसे आपको फॉर्म भरना है आप फिलअप करना है ये आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। देखिए कैसे भरना है, तो देखिए यहाँ पर आप पूरा हो जाएगा। इसके बाद ये वाला करना है, इसके बाद लॉगिन करने के बाद आपका नाम यहाँ पर प्रदर्शित होगा, यहाँ पर लॉगिन करोगे, जैसे ही आप लॉगिन करोगे उसके बाद आपका नाम यहाँ पर दिखाई देगा। परीक्षा प्रबंधन प्रणाली यहाँ पर दिया गया है, उसके प्रश्न सेट प्रश्न पेपर भरोगे कि कैसे आपको भरना है, तो देखिए आपको पूरी बताया जाएगा कैसे भरना है, फिलअप करना होगा। सबसे पहले यहाँ पर आपके द्वारा जो सिलेक्ट किया गया प्रश्न पत्र है सेट प्रश्न का क्रमांक यहाँ पर प्रदर्शित होगा, जो आपका सेट रहेगा जैसे कि ए बी सी डी जो भी है ना आपका जो भी सेट रहेगा आपको यहाँ पर दिखाई देगा, ठीक है यहाँ पर जो भी रहेगा सेट आपको दिखाई देगा। उसके बाद सबसे पहले प्रश्न सेट यहाँ पर देखिए, सबसे पहले प्रश्न सेट अपना प्रश्न पत्र का नंबर चयन करोगे, इसके बाद क्लिक करोगे यहाँ पर, क्लिक कर प्रश्न पर जानकारी देखोगे, उसके बाद यहाँ पर आप क्या करोगे, व्यापम द्वारा दिया गया मॉडल उत्तर ऑनलाइन द्वारा आपत्ति का प्रारंभिक और अंतिम दिनांक, यहाँ पर प्रारंभिक और अंतिम दिनांक है ना, यहाँ पर प्रारंभिक और अंतिम दिनांक, यहाँ पर प्रारंभिक और अंतिम दिनांक ऑटोमेटिक प्रदर्शित हो जाएगा। उसके बाद पेज को पुनः रीसेट करोगे, उसके बाद आपके द्वारा चुने गए प्रश्न विभिन्न सेट के पर मिल जाएगा। इसके बाद बात करेंगे छत्तीसगढ़ राज्य वन निकास निगम लिमिटेड की, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर देखिए विषय आपको जारी कर दिया गया है, मतलब एक प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया है छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड के लिए। छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लेखापाल एवं कनिष्क लेखापाल की सीधी भर्ती से संबंधित चयन के संबंध में, देखिए छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम में नवा रायपुर से लेखापाल एवं कनिष्ठ लेखापाल सीधी भर्ती हेतु एक विज्ञापन जारी किया गया 16 फरवरी 2022 को अनुक्रम दिया गया था, 16 अक्टूबर दिया गया था, तो पूरी जानकारी आप देख सकते हैं यहाँ पर। देखिए 16/2022 को एक छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा दिनांक 20/3/2022 को जो आयोजित परीक्षा परिणाम जो किया गया था सीजी व्यापम की वेबसाइट पर अपलोड किया गया था, उक्त परीक्षा परिणाम के आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम द्वारा कौशल परीक्षा हेतु चयनित अभ्यर्थियों को यानी कि शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट की सूची एवं लेखापाल कनिष्क लेखापाल पर सीधी भर्ती हेतु एक भर्ती नियम एवं चयन प्रक्रिया की नियमावली भी वन निगम के वेबसाइट पर पूरी आपको मिल जाएगा, अपलोड कर दिया गया है आप जाके देख सकते हैं।
वन विभाग के व्यापम वेबसाइट पर आप जाके देख सकते हैं। चयन सूची के आधार पर लेखापाल एवं कनिष्ठ लेखापाल की भर्ती, द्वितीय चरण की कौशल परीक्षा, दस्तावेज यहाँ पर सत्यापन, पृथककरण की पूरी जानकारी यहाँ पर व्यापम के वेबसाइट पर आपको मिल जाएगी, है ना। इसके बाद देखिए यहाँ पर छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम की पूरी जानकारी जिसका चयन हुआ है, लेकिन सीधी भर्ती के संबंध में, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर वीडियो में इस माध्यम से बताया गया है कि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।